सलाम श्री वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। सिख धर्म के अंदर गुरु को इष्ट मानते हैं, इसे गुरु का नाम पहले लेते हैं। दूसरे लोग जो को ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं। जिस चीज़ को जैसे मानते हैं वैसे उसका नाम लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं सतनाम, वो सतनाम वो जो श्री वाहेगुरु 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 इतना बोल देते। तो शैली अलग अलग करने की, कहीं ओम ओम नाम सबसे बड़ा आर्य समाज कह देते, अलग अलग शैली है ढंग है बात करने का। तो आज का सत्संग मैं आपको कहता हूँ कि ध्यान योग की जरूरत आती है। ये ध्यान का तरीका सब, ये जो अब साधन करते ध्यान का तरीका है। कितनी बात से और सुन लिया, कितना ही सत्संग सुन लिया और ध्यान नहीं बनता तो कुछ नहीं। तो ध्यान है कैसे बनता है, आदमी जैसे प्रकृति है ना, हर जगह ध्यान बन जाता है। तो ध्यान के लिए क्या कलाएँ हैं, ध्यान बनाने के लिए पांच ललित कलाएँ हैं। जैसे विद्यार्थी के लक्षण बताते हैं ना, फिर लक्षण विद्यार्थी में कहता हूँ मन में शिक्ष लक्षण, अगर ब्रह्मचारी नहीं देखिए इसका विद्यार्थी है। आज का मुँह क्या रहता है टीम रूम, अब काल सोरा आया था उनका सोरा इतना मुर्दे की तरह था, शक्ति व्यस्त कर रहा है, समझे ना बात। बच्ची तो उसकी उम्र की है और शक्ति हो तो चेहरा चमकेगा देखेगा। वो का लड़का है ना भी टूटे हुए वो जा रहे आजकल, उसकी शक्ति ने सॉरी है तो मुँह देखो उसका कैसा था उतरा हुआ बिल्कुल। तो वह शक्ति चमकती है और वो क्या करता है, अनुभवी आदमी वो देख लेता है। यहाँ पर वो डॉक्टर अनुभवी है, लक्षण पूछ भी देख लेता है आदमी सलन से खांस आएगा आदमी छी छी करता है तो ज़्यादा पूछने की जरूरत करती है, जुकाम हुई है गदगदी होती है, एलर्जी है इसको, गले की एलर्जी है, फ्रंट चीज़ है, जुकाम है दवाई दे देगा को पता है इसी एलर्जी। दस ग्राम कुछ चमकेगा वो और बिन जारी शक्ति खो दी बस से, अब कैसे खोगी मुझे पता नहीं। चेहरे से था जितना उदास वो जितना सब बैठे थे, कोई आदमी इतना उदास नहीं था, जितना मुर्जा है चेहरा जैसे मुर्जा रहा वैसे वैसे बैठे हुआ था, ठीक है ना। उनसे उनके बाप के अच्छे हालत, बाप के अच्छे संभाल था बिल्कुल, बिन जारी शक्ति उसके अंदर भाई शुरू से बने वैसे बाद। तो ये जरूरी चीज़ पहचान है आदमी कि जिस तरह चेहरा वैसे, अरे निराशा क्या करेगा, आशा जीवन निराशा मर तो। अब मिसाल दिए मैं आपको, अब मैं आपको सत्संग बढ़ाता हूँ कि ध्यान का कितना तरीका है। तो इसमें ये जो ध्यान का तरीका है, जैसे मूर्ति बनाता है एक आदमी, भाई शिव जी की, राम की, कृष्ण की मूर्ति बनाता पत्थर, तो मूर्ति बनाने वाला जो एक ध्यान रखेगा वो मूर्ति का, जैसे मूर्ति वैसे बनाएगा वो छोड़ेगा, उसका ध्यान दूसरी तरफ नहीं जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा मूर्ति उड़ेगी नहीं, दूसरी तरफ जाएगा बस उस मूर्ति के अंदर देखे इसका ऐसे बना दो, इसका ये 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 उठाना चाहिए, इतना ये जगह इतना छोटा उठा देता हूँ पत्थर, इतना इधर फिर देखता इधर से उठा अभी कैसे लगता है। तो मूर्ति में ध्यान होता है, तो ललित काम पर तो मूर्ति कला स्थूल मूर्ति, और इससे ध्यान बन जाता है। अगर मूर्ति कला का कार है ध्यान सिखाया जाए बहुत जल्दी सीख जाएगा एकदम, बोले आप ध्यान तो उसका बढ़िया चीज़ बदलनी है जैसे ध्यान करना है। दूसरा मूर्तिकला के साथ में है चित्रकला, ललित कला बता रहे हैं, पांच ललित कलाएँ हैं ये ध्यान की कला है। तो चित्रकला, चित्र बनाने वाला जो बच्चा है उनको देखा ठीक है पत्ता बना रहा है, पत्ते का चित्र बनाता है, उसको देखता है पत्ते पत्ते ऊपर रखे पत्ता रख के बनाता है और फिर वो खुद बनाने की कोशिश करता है तो उसका हाथ जम जाता है। वो आदमी शक्ल बनाता है, पटके बनाता है, तो जो जो चित्र वो बनाता है ये उसका ध्यान एकाग्र होगा तो बनाएगा, बना नहीं सकता। अगर एक आदमी जिस तरह जाएगा जिस तरह वो नहीं बना सकता, अब वो बात करता चित्र नहीं बना सकता, जो आदमी बात करता जाता है काम करता पूरा काम नहीं कर सकता। टेबल बाबू बैठे बात करते हैं उनका काम में ध्यान नहीं होता, पेपर कहीं का आना कहीं का जवाब कोई कोई ध्यान नहीं, ध्यान नहीं होता रूटी में कहीं ध्यान नहीं। इसे कर्मयोग होता है पहले कि जो काम करते हैं उसको, प्रकृति के अनुसार पहले मूर्तिकला फिर चित्रकला, चित्रकला के बाद स्थूल ले लो। स्थूल क्या लेते हैं, जैसे नर्तकला है, अस्थूल है शरीर से करनी पड़ती अंग से, तो इसके अंदर जो जो नाचने वाला का ध्यान नहीं बनेगा कि वो गुजरी डांस करो, पहले किधर को झूलना है किधर को झूलना है और समाधि फेस और ऐसे देखता रहता है उसकी तरफ चेहरा उसके ध्यान में लोगों में बढ़ता है, तो उसकी रेडियस आ जाती है उसके ध्यान की और वो उसकी तरफ देखते रहते तो उनका ध्यान मिल जाता है, देखने वालों का भी और नाचने वालों का भी।
चैतन्य महाप्रभु को नाचते नाचते ज्ञान होता था, नाचता सब नाचते नाचते उसको एकाग्रता आ जाती थी। तो ये एकाग्रता ज़्यादा आ जाती है, वो मस्ती खुशी आ जाती है, और तो नीचे खड़ा तो सीख जाओ। जो आदमी ये क्या कहते नाचता है उसके अंदर वो एकाग्र चित्त होता है, और जो उसको देखता है उसका असर बढ़ता है, उसको देख रहे सत्ता नाच रहे हो, अरे सदा वो ठहर जाएगा 5-10 मिनट कैसे नाच रहे हो, समझा। नृत्य कला, और नृत्य कला के बाद में आता है काव्य कला, काव्य कला चौथी कला, काव्य कविता लिखा, कविता तो लिखेगा जोर जोर के लिखेगा ये, और जब उसका जोर के ध्यान नहीं बढ़ता है तो गोस्वामी तुलसीदास ने कविता लिखी ध्यान योग से, बस उसी में सातों दिन ही लिखता रहे, और आखिर उसका घमंड छोड़ता हुआ कहता कभी विवेक एक नहीं मोरे सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे, मेरे कोई कवि का विवेक नहीं है, सत्य कहता हूँ तो कागज कोरे लिखता हूँ, वो आप ठीक है बिल्कुल, वो सुन देता उसको और वो भी उसमें लिख देता, क्योंकि वो ध्यान जो करता है उसमें एकाग्रता आ जाती है। तो काव्य कला जो है ये भी ललित कला होगा, इसको कविता बनाना आता उसके ये कहते हैं जहाँ जावे रवि वहाँ जाए कवि, जहाँ सूर्य किरण जाती वहाँ कवि भावना जाती है, उसी से वो छिड़ता हो, जहाँ पूछते रवि वहाँ पूछते कवि। तो काव्य कला तो बहुत जबरदस्त ध्यान बनाने का तरीका उसके लिए। अब हमारा पर्पज क्या है, अभी काव्य कला हम शेरी से नहीं है, नहीं तो काव्य कला सीखना चाहते हैं, डांस कर सकते हो ना गीत वो। अब हम आ जाते हैं गान विद्या, गान विद्या में क्या चीज़ है, बड़ी जबरदस्त जादू है। गान वाला गाना तब गाएगा जब उसका ध्यान एकाग्र है, अगर एकाग्र नहीं तो ध्यान नहीं गाएगा, मन इकट्ठा नहीं, गान वाले का मन इकट्ठा होना चाहिए। जब गाता तो ऐसे गाता से बिल्कुल तरीके से, जैसे तारीफ करते हैं हम अपने गुरु की, आरती विनती बताते हैं ये ध्यान का तरीका है, चीज़ें कराते हैं सत्संग, लोग ध्यान बन जाए अपना बन जाए, और ध्यान बढ़े कौन चाहे सत्संग क्या नजारी है, मन काबू नहीं आता। तो इसके लिए है ये आरती विनती, आरती विनती करते हैं किसके इष्ट बनाते हैं, इस अपने जैसे मनुष्य का बनाते हैं, अरे चाहे किसी का मूर्ति का बना तो मूर्ति का बने, मूर्ति ज्ञान नहीं देगी ध्यान बन जाएगा, ध्यान चाहे मूर्ति से कर लो चाहे किसी से कर लो, एक ऑब्जेक्ट दे दिया और उसके गुण देखने लग जाओ, और गुण देखते देखते श्रद्धा पैदा कर लो, और गुरु पर श्रद्धा पैदा करते हैं कि वो समदर्शी है, वो ये है, वो ये है, जितने भी विशेष हैं सब लगा देते हैं, तो हमने उसका गुण देखा ध्यान बनता जा रहा है, और उसके बाद कहते ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, सूर्य गाते हैं ध्यान तो कहते जगदीश को देखते हैं ध्यान करते। तो मूर्ति को या जो इष्ट है उसको बनाइए, तो इष्ट के लिए लोगों ने फैन रिफैन ये कर दिया कि जीवता होना चाहिए गुरु, क्योंकि उसको ज्ञान भी के साथ ध्यान एक नहीं बनाता है, डबल काम करना है, डबल क्या काम करना है, ध्यान का अर्थ है वो पूरा। तो मूर्ति कला से ज्ञान है, तो ज्ञान को जिंदा आदमी देगा, वो जिंदा आदमी देगा और ध्यान बनने से देगा, वो आरती बिनती में गानों वाले का ध्यान बन जाता है, एक लय होकर गाता है वो गाने से उसका ध्यान बन गया, ध्यान का तरीका आसान, अपना भी बन गया और जितने सुनने वाले उनका भी ध्यान बनेगा, सब परेशानी वो गाना अच्छा लगेगा ना, उसको राग अच्छा लगेगा तो राग का मन राग मिला देगा, वो उसके साथ गाने लग जाएगा और आनंद देगा बिल्कुल, इसे लाउन साथ साथ उन्हें आनंद आता है। तो ये सबसे अच्छा तरीका ध्यान का तरीका ढंग है, ये सब आरती बिनती होनी चाहिए। और मेरा वो ध्यान नहीं था, मेरा देवोर था, जो मैं जाता हूँ मेरा ध्यान इसका नहीं बड़े बड़े मेरा ध्यान ज्ञान को छिड़के हूँ, ये कविता ले जाएँ और ये घर में किताब भी पढ़ें, किसी का बेटा बांट जाए वो चीज़ा पढ़ेगा भाग्य होगा तो उसको समझ आ जाएगी, और समझ आ जाएगी वह जाएगा। मेरा काम होता है किताब ले जाएँ, एक तो वो किताबों का प्रभाव है, ताकि किताबों के 4 पैसे जो पैसे दिए हैं उसका लाभ हो हर घर तक पहुँचे दूर दूर तक, एक आदमी किताब रख लेता कोई तो मैं उसी को देखता हूँ, मेरा ये दर्शक ये किताब जो मिला हो ये घर घर तक पहुँच जाए, बस ये उदेश। तो मैं बीच में कहता हूँ अरे बैठे जाए भाई, अच्छा भाई वो किताब क्या करे कितनी गई रहे कितनी जीती गई दिखा मेरे को दिखाना देना, क्योंकि जी गई गई वो जाती है नहीं पूछ, तो मैं देखता हूँ काफ़ी पूछ सके, तो मैं उस किताबों का चर्चा करता हूँ लोड स्पीकर, वो जब तक आदमी नहीं जाए तब तक वो कहता ले जाओ भाई, और उड़ते ही तो ले जाए चकुन आया पहले तो दो सेट ले जाना, कोई खास भगत होता तू जाके काम कर देना, मेरा उद्देश्य होता वो मेरा उद्देश्य पर रखता मेरा इधर नहीं दिखता, तो मैं उसी का चर्चा करता हूँ,
ख्याल में खोया नहीं जाता किसी का, समझा गई बात। ये शुरू करते हैं तो मेरी आरती विनती करना, हजार कम से कम जाते हो तो सुना दिया कि गुरु का ध्यान ये वो करिए, वो क्या गढ़ाई करें, समझा गई। तो आज से आप ये सत्संग जाना सुन ले, आप लोगों को ये दोनों करिए, जब भी सत्संग देते हो तो पहले आरती विनती गवा दो, हर आरती किसी के बाद जिंदगी करो, ये गुण देखे जाए गुरु के अंदर, तो ये गुण देखेगा उसको तो गुण मिल जाएगा, वो गुण देखा वो गुण नहीं, ये ब्राइट साइड है कि गुरु समदर्शी है, सब कुछ जानता है, सब जानी जान है, सब कुछ है, मेरा इष्ट वही है, देवता वही है, सब कुछ वही है, ऐसा जो उसको मानेगा इष्ट को उसको लाभ होगा, उसका ध्यान बढ़ेगा। जिसको ऐसा प्यारा नहीं लगेगा इष्ट तो कुछ ध्यान नहीं बढ़ेगा। तो वो गाते हैं गान विद्या के अंदर ये ज्ञान दिया जाता है, और ये रोजाना बताना चाहिए, रोजाना भी ये याद करिया करना, ये आरती विनती पूरी याद करना, तो याद करेगा फिर उसका मतलब भी समझा देगा किसी का, कि इसका मतलब ये है कि तो वो वही है, वो वही है, वो वही है, वो मानता हूँ। तो तुम्हारे दिमाग में उसकी खोपड़ी में बैठ जाएगी बात, और ध्यान बन जाएगा, और ख़त्म करता है उस वक्त, क्योंकि उनका मतलब इधर से उठ गया ना जैसे, तो उसको जाते हुए वो सुनाया जाए, ताकि वो जाते हुए जाए तो घर तक वो दिमाग में बनी रहे, सत्संग का प्रभाव उनमें ठेर तक रहे, समझे, ताकि उसका ध्यान बन जाए। तो ये एक तरह का सत्संग का भाग है, ये नहीं है सत्संग अधूरा है, बात शुरू कर दो दिमाग आदमी का कुछ छोड़ रहा वही नहीं लगा। तो आज से आगे सत्संग आरती विनती करना, आप आरती विनती से लोग आपका भी मन इकट्ठा होगा, उनका भी मन इकट्ठा होगा, और मन इकट्ठा ही बात है। तो आज से तीन भागों में सत्संग जाएगा, मन तो क्या करना है, आखिरी टाइम पर है, तो आखिरी बात मैं नहीं कहूँगा तो क्या फ़ायदा, कोई सुने न सुने संस्कार बन जाएगा, अजीब कमदार बताया सच, फिर सब आप बता तो दिया करो जो आप ये बताते हो ये सब, ताकि लोगों को संस्कार मिल जाएगी, या नहीं भी बात है तो वो कहते मेरे ध्यान को मेरा कुछ किस ध्यान करें क्या करते हैं, तो वो आप तरीका बता दिया करो, भी स्थान ठहरने ये है और ये मन को ठहरने की जगह है, ऐसा ऐसा तो संस्कार फिर जाएगा, रोज़ रोज़ के बताने से संस्कार फिर जाएगा। तो सत्संग खत्म होने पर वो आखिरी टॉप की बात कर देता हूँ, ये संस्कार देता हूँ, समझा, तो मैंने क्योंकि मेरे पास वो टाइम तो है नहीं, हर तो बात नहीं करने वाली है, जो कहते हैं वो क्या कहें कहाँ कहीं उससे जाए, वो कही नहीं जाती, वो सुनी नहीं जाती, वो ये नहीं जाती, जिसके विशेषण लगा रखे ना महात्माओं ने, तो वो तो करियर करे विशेषण उड़ा दे, और कभी ये कहे कि एक पानी कहानी कह दी पहली हर छोड़ दी, बोले इस शब्द का जो अर्थ लगा वो गुरु हम चला दी, बात उठना कही जिया में तुम्हारे मुँह में तलाइए मांस पिना में तइए हो पर ले पार एक बेड़ का भी ता में पात नहीं खुद पात चुक जात मिलेगा मृग गाव नहीं हो सर सर बाण त्रात्र मारे इन योग तान तान मारे प्रकाश हो फिर नीचे आ जा फिर नीचे सर सर बाण त्रात्र मारे मृग गाव नहीं कोई ज्ञान नहीं मिलेगा ठहरता नहीं मन नहीं ठहरता मन चलता उर्विन खुरबिन चलन सुच बिन जा उड़न पंख नहीं जाके हो जो को हिंसा मार दिया हुए हम वही गुरु हम चला हो जिया में तो मारना और मुआ में तय मर्दा में तय और मांस में तय तो मांस कैसे पहली है कभी ने पहली डाड़ की छोड़ दी लोगों क्या पता पड़ेगा वो जो गा लेंगे गाते ना फिर स्वाद देते हैं वो तो सहयोग के अंदर वो जो गाते हैं स्वाद देते हैं उसका उनको खुद को नहीं पता है वो खुद मस्ती खुशी रहती है वो जाने का अगर होता है पता है नहीं तुमने अभी की व्याख्या करी है सहजयोग में कि सहज है योग कोई मुश्किल नहीं है उसमें उन शब्दों की व्याख्या करी है कि इनमें यह है ताकि उनको ज्ञान हो जाए और सभी उसको सहजियों को कई बार पढ़ेगा वो कहा कमाल कर दिया आप लाल कमल को पंछे पढ़ेगा कहते कमाल हो गया हर पुस्तक में बात है वो जानने का तरीका तो बदलने की बात है हर एक पुस्तक में वही या ज्ञान योग मैं उत्साह में रहता हूँ तो मेरे ज्ञान का एक दोस्त भी मार देता हूँ हमेशा मेरे मुँह से निकल जाता जान के नहीं करता मेरे मुँह से वो समझा जाता हर वो कह देता हूँ उसको साधारण क्यों कह देता हूँ वो खोपड़ी बाई चीज़ है तो तीन भाग में जाएगा आप सत्संग और आप जन्म तो क्या दूंगा आप जो एक मतलब पर शब्द गाना शब्द गाने के लिए कोई अच्छी लड़की गाती हो औरत गाती हो उसे गवा देना उसी जबान मीठी होती है और कोई आदमी गाता तो आदमी गवा देना और नहीं गाती सिखा दो उसको क्या शब्द याद कर दिया तो उसको रखो हमेशा सहायता रखते महाराज शब्द गवा के उसकी व्याख्या कर देते ताकि जाए
आरती ने भाग में ज्ञान देगा वापस रहेगा। सबसे पहले आरती विनती, आरती टाइम आरती करे ताकि उनका मन इकट्ठा हो जाए, विनती विनती टाइम विनती करे शनि के टाइम पर, तो उसके अंदर वो मन का प्रभाव रहेगा उस बात का, और वो इधर उधर मन नहीं जाएगा, तो इधर उधर चला नहीं जाएगा, वो ज्ञान छुटते ही खरीद मन बिखर गया, तो छुटते वक्त उसको वो गाय कि फिर मन छोड़ दे उनको, फिर वो प्रसाद खाएंगे तो मन में रहेगी वो बात, ठीक है ना। तीन चीज़ में करूँगा तो मैं आपके साथ हूँ, तो मैं ऊँची बात को आप बंद नहीं करना, आप जो रोजाना तकरीब घर में वो बताना कि भाई तुम भाई भाई के साथ नाराजी है, बाप बेटे की नाराजी है, ये तो घर में शांति कैसे आएगी। तो आप सत्संग है, सत्संग है क्या, अच्छा घर में शांति है तो सत्संग सुनो, अच्छे जाओ जाने के बाद वही बात है, कोई फायदा नहीं, तो सुबह बात कहता हूँ सुन लो, अब अचानक पूरी कर आना, याद तो कहता हूँ बुरा मैं सोचना अच्छा सोचना। और इसका बताओ आज से नहीं है, रीत पुरानी चली आ रही है, जब से चले ऋषि मुनि ने यही बात कही है कि तू सुंदर विचार रख तेरी दुनिया सुंदर बन जाएगी, शिव शंकर तू सोचा वैसे बन जाएगी, कैसे बनेगी सारी दुनिया विचारों से, सोचो वैसे होगा, तो शिव मकान साथ मकान की सोचो, दुकान साथ दुकान की सोचो, और अगर ब्रह्मचारी जीवन है तो काम सीखो, विद्यार्थी है वो विद्यार्थी नहीं क्या संस्कृत पढ़े वो विद्यार्थी था, तो उन विद्यार्थियों की चर्चा करेंगे, और जो विद्या पढ़ता है ना जब तक नौकरी पैसा नहीं लगता ब्यास नहीं करते, उससे पहले जो पढ़ता है उसका विद्यार्थी नाम है, चाहे टेक्नोलॉजी पढ़ो चाहे वो पढ़ो चाहे मोटर मैकेनिक पढ़ो, सीखता वो विद्या, तो उसके अंदर क्या गुण बताए विद्यार्थी का, वो जो गुण बताए वो गुण उसमें एक ही लगे ध्यान, वो एक्सपर्ट बनेगा, उस ध्यान से जो काम करेगा एक्सपर्ट होगा। तो आज का सत्य मैं आपको बता रहा हूँ कि पाँचों ललित कला हैं, ये पाँचों ध्यान के, और हमारे काम से कौन सी है गायन कला, तो गा करिए आरती विनती गाएँ, और फिर आखिरी चीज़ आपसे बताइए गायन विद्या, तो ज्ञान विद्या पानी ये चीज़ आती है हमारी, समझे थोड़ा खोल के बता रहा हूँ ये चीज़, ये पता नहीं है कराते उनको मालूम नहीं आता हूँ, वो उनको पता मैं बाढ़ से खाल निकालता हूँ, क्योंकि जेनु है विवेक है, तो मैंने आपको खोल के बताया कि ये चीज़ है, तो इसको इग्नोर नहीं करना, याद रखना मेरे, पर अभी मेरे से उम्मीद करो मैं बात बोलूँ तो मेरे लिए मुश्किल होगी, तो बताएगा कौन, यार पूरी उम्र ये बताता रहूँगा, हमें सोचा मेरी थोड़ी है उम्र, और ये संस्कार की हमला दिया तो वो सब बता दो, जो आप करें अगर संस्कार तो दे दो, जो आप जानते हो कि क्या करना है कैसे जाना है, तो मैं फिर वही सब पूरा बताता हूँ कि अंदर कर लेना, संस्कार दे देता हूँ, ये इसमें ये ताकत है, इसके ध्यान भी है, इसके ध्यान भी है, इसके ध्यान भी है, इसके ध्यान भी है, और ये इधर का ध्यान भी है, आगे पूरी कला बता दी, ठीक है ना भाई। तो एक एक जगह एक काम करो, हर जगह जगह बुद्धि होगी तो काम नहीं कर सकेगा, हम बैठाया हूँ क्या एम है मेरी, मेरी एम क्या है, ज्ञान देने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, उसकी व्यवस्था करने के लिए इसे आया हूँ, और कोई नया काम नया प्लांट बता जाऊँ जाते हुए, तो ये अब तक तो यहाँ तक होता है, वो अभी से मैं फिर बात करता हूँ ना कि मेरा ज्ञान यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल पूरी दुनिया के लिए, और जो राम को मानता हूँ ठीक है बिल्कुल, उसके लिए राम साथ है, सबके लिए नहीं है, तो उसके लिए ठीक है वो ज्ञान, गलती उसके मन का है वो सोचा वैसे होगा, किसी को मानता ठीक है, मोहम्मद को मानता हो ठीक है, लेकिन मोहम्मद को मानता और फिर उसके मन पक्षपात है वो ठीक नहीं है, मोहम्मद को मानो और वो उसको राम को माने क्या बात है, तुमने जरूरत तो दही रोटी खा लें, और मेरे को जरूरत है मैं सब्जी रोटी खा लूँ, और एक को जरूरत चटनी साथ खा लेता है, और एक खीर खा लेता है, बात तो पेट भरने से, ठीक है ना। तो ये बात समझिए आज का सत्य, तो जो मतलब की बात करो आप, तो आज हमारे पास बहुत सा काम है, अभी से कोई सोचो, और पहले ये हो जा जदा की बात सोचो, ये काम तो करने जा रहे हो ना आज, ये अभी बर्फ से आज शाम तक करेंगे आप, सब जगह तक अपन इसी काम की सोचना, और ये काम करना, और जल्दी उसके लिए तैयार होना, अब जल्दी यानी कि गाड़ी तैयार जाओ भागा भागता दौड़ता हूँ, पहले तैयार मैं नमूना देता हूँ, हमेशा तैयार बैठा हूँ, मैं कहता हूँ भाई चार मिनट है अभी, अब तो पाँच मिनट है, पैसा करो मैं फिर कहाँ करो, मैं टाइम देखता हूँ, इतनी सीरियसली क्यों देखता हूँ, मेरा काम है टाइम पर काम शुरू करें, टाइम का काम ख़त्म नहीं होगा, अब टाइम पर ही ख़त्म करना चाहिए, अब वो मुझे होश नहीं रहता, वो मुझे होश पाने की आप बात बेहोशी मेरी भूल जाता हूँ, मैं आपको तो हर एक बात भूल जाता हूँ, तो मेरे सारे की जरूरत है अभी सख्त, एक आदमी मेरे को
ये करोगे आप लोग खत्म करने नहीं करना है ऐसे समय कर क्या रहे हो चेताने की जरूरत जो कसम को करो उसका नाम उठाया हूँ वो उनकी बात से मेरा समझ होश आ जाएगा होश आएगा मन बट तरीके से ये नहीं उसी वक्त करूँगा दो चार बार तो रुकेगी ऐसे कर दो अच्छा कोई सवाल है क्या फट फूस दो ठीक है ना तो मेरे को सारे की जरूरत है सत्संग में नहीं दे सकता हूँ और मैं देता हूँ टॉप का जो आखिरी स्टेज का सत्संग है इन्हें कोई जरूरत नहीं है वो टॉप नहीं चाहते उनके घर में यार लड़ाई झगड़ा अरे भाई भाई लाला जी है पति पति बोलेंगे दो चार दिन से तो क्यों रहे उसमें तेरा भाई सर मेरा भाई ऐसा तो अब उनको जो आए हैं उनको उसकी बात के जानने में तो खड़े में परेशानी में तो सत्संग में जाने से उनको ज्ञान मिल जाएगा कि तुम ये करोगे तो छोड़ दिया अरे ऐसे करोगे तो छोड़ दिया करो ये अगर आज देख तो मेरी बात आज ही वर्त कर रहे हो क्यों ज़्यादा क्यों करो आज करो गुस्सा नहीं करो आज करो झूठ साल बोल दूँ कोई मुझे धोखा कोई नहीं रोज की इतना देने के अब तो यार फिर कोशिश करो एक मिनट छुटेगा नहीं वो कोशिश करते रहो तो अब जो दोबारा हो तो देख रही है ये कम से कम एक तो छोड़ के आ जाओ कम से कम एक तो छोड़ेगा गुस्सा छोड़ेगा मेरे को ये कमजोरी है उसको एक एक के ऊपर तो काबू करो आओगे बार बार ज्ञान से काट दो उसको कि मैं क्यों सोचता हूँ बुरा सोचा हो पाएगा वो बुरा तो बुरा रहेगा बुरा कोई नहीं वो अच्छा है सब परमात्मा है और मैं बुरा नहीं सोचता सोचता वैसे होता तो मैं सोचता हूँ उसकी वैसी बात है वो अपना काम करता माफ़ करता बात समझ आ गई मूड चीज़ तो आज का ये तेरे को सिर्फ ये बात करनी है इसके अलावा ऊपर ठेका मत देना कहाँ जाता है कहाँ है वो बात अलग है अरे किसकी आदत उनके घर में यार कलह हो रही है वो अपने मन से दुखी हो रहा है ईर्षा कर बैठा भाई से जलन हो रही है तो उसकी जलन बिठाओ या जलन खा जाएगी तेरे को तो भाई के लिए सोचते ना भाई जी तुम दुखी हो जाओ और तुम जो सास मुझ लड़े हो आपस में तो घर को बर्बाद कर दोगे।